नमस्कार सत्य सकाळ को स्वागत करुछि स्मृति लग्ना। बात्या यश प्रभाव में कटक जिला समेत कटक महानगर निगम रे प्राय 11 कोटी रु अधिक टंकार क्षति होईछि। प्रथमे ए खबर रु सत्य सकाळ आरंभ करबा। जेभळी भाव आपण जानिछन्ति प्रशासन पक्षरु राज्य सरकार को रिपोर्ट मध्य प्रदान करा जाइछि। बात्या समय प्राय 13 लाख लोकंको निरापद स्थान को स्थानांतर करा जाइथिला। महानगर निगम 3 किलोमीटर रास्ता नष्ट हो जाइथिबा जणा पडिछि। पुनि थरे आपणको पूरा खबर कहि रखिया पई चाहिबे। बात्या यश प्रभाव रे कटक जिला समेत कटक महानगर निगम रे प्राय 11 कोटी रु अधिक टंकार क्षति होईछि बोली आकलन करा सरिछि। जोथिपई प्रशासन पक्षरु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रदान करा जाइछि। ए बाबद रे अधिक सूचना पई सीधा प्रतिनिधि इमरान आम सहित जोड़ी होती कटक प्रतिनिधि। इमरान कौन सूचना रही खबर बाबद रे? देखो स्मृति लग्न जब भाव में जानते हैं आप यश प्रभाव में जो कटक जिले में पखापाखि 11 कोटी टंकार क्षयति हो जहाँकि जिला प्रशासन पक्ष राज्य सरकार को रिपोर्ट दि जाएगी। कितु आप जानते हैं जेहेतु सर्वाधिक जो क्षयति होता है यश प्रभाव में ताकि होगी भद्रक जिला, बालेश्वर जिला, केन्द्रापड़ा और जगत सिंहपुर। यह 4 जिले में सबुठ अधिक क्षयति होता कितु जो कटक जिला प्रशासन पक्ष रिपोर्ट दि जाए 11 कोटी टंकार ऊर्ध कटक क्षयति होती तार आकलन से करते जो बाबद 11 लाख 11 कोटी टंका हिसाब देखते जो हिसाब बर्तमान सामने रखिए दर्शक मैंने शुणीपारे पाखापाखी जे विएस प्रभाव में जो तलिया तल अंचल रोचान लोक पाखापाखि 13 लाख लोक स्थानातर कर बात्या आश्रयस्थल से जो खाद्य बाबद पाखापाखि 35 लाख टकर खर्च होता है। सहित जो कटक जिलार जो ब्लक सब रही सर्वाधिक जो ब्लक क्षयति होती जहाँ कि रिपोर्ट दर्शाई से होती निश्चिंतकोली ब्लक और निश्चिंतकोली ब्लक सर्वाधिक क्षयति होती रिपोर्ट दर्शाई से पाखापाखि 20 किलोमीटर रास्ता से नष्ट जहाँ कि रिपोर्ट दर्शाई सबुठ क्षयति होना से हूँ बड़म्बा ब्लक अर्थात निश्चिंतकोली ब्लक सर्वाधिक क्षयति होती रिपोर्ट दर्शाई और बड़म्बा ब्लक में कौन क्षति है बोली जहाँकि जिला प्रशासन पक्ष विभिन्न बाबत को हिसाब जो हिसाब दिया जाए रास्ता मरामती समय किसी धार्य कर देखो तो समय तो बर्तमान सेमती किसी स्पष्ट सूचना सामना को आसीना किंतु जो जिला प्रशासन पक्षर जो नष्ट होबार जो क्या क्षयति हमारे जो रिपोर्ट दी जाती है वास्तव स्थिति जदि आप देखिए तार पूरा भिन्न देखा थे कहीं जेहेतु कटक जिले में केवल हल्का भाव में पवन होता और झिपि झिपि वर्षा होता जहाँ कि कटक महानगर निगम अंचल कथ मुझे बाकी कटक जो विभिन्न ब्लक रही खास करके निश्चिंत बोली कोली ब्लक और सालेपुर ब्लक में सामान्य धरण वर्षा मध्य होता किंतु जो एत क्षयति हमारे रिपोर्ट जो वर्तमान जिला प्रशासन पक्ष दि जाए वास्तव स्थित यार कौन ता तो स्थिति देखने ही जना पड़े कहीं आप देखुए जो रास्ता बाबद को निश्चिंतकोली ब्लक में 20 किलोमीटर रास्ता कहुई महांगा ब्लक में 8 किलोमीटर रास्ता कहुई सालेपुर ब्लक में 8 किलोमीटर और कटक महानगर निगम अंचल 3 किलोमीटर रास्ता नष्ट जहाँकि रिपोर्ट दर्शाई से बाबद जदि आप देखिए पाखापाखि कटक जिले में समुदाय 221 रास्ता नष्ट जहाँकि रिपोर्ट दर्शाई से बाबद पाखापाखि 6 कोटी 21 लाख टंकर हिसाब देखा दि जाए राज्य सरकार को जदि आप देखिए निश्चिंतकोली ब्लक सर्वाधिक विभिन्न बाबद क्षयतिर आकलन से रास्ता कथ मुझे बर्तमान आसवा स्ट्रीट लाइट बाबद को केवल निश्चिंतकोली ब्लक में पाखापाखि 10 लाख टंकर क्षति होती सहित महांगा ब्लक में 2 लाख टंकर क्षति होती जहाँकि स्ट्रीट लाइट नष्ट जिला प्रशासन पक्ष रिपोर्ट में दर्शाई अनेपटे जब आप देखिए कलभर्ट जो समुदाय जो ब्लक मानक जो कलभर्ट रही पाखापाखि 32 लाख टंकर कलभर्ट नष्ट जहाँकि रिपोर्ट में दर्शाई जिला प्रशासन और अनेपटे जब देखिए आप शिक्षा क्षेत्र विभिन्न शिक्षानुष्ठान मानक यस बात्या द्वारा क्षयति होती नष्ट जहाँकि रिपोर्ट में दर्शाई पाखापाखि 4,45,50,000 टंकार क्षयति होती रिपोर्ट में दर्शाई जिला प्रशासन अर्थात कटक सदर ब्लक में सर्वाधिक शिक्षानुष्ठान नष्ट किंतु वास्तव स्थिति जब देखिए आप चित्र जब देखिए भिन्न भिन्न प्रकार सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होती चाषी चाष जमी केते कौन क्षतिग्रस्त होती तार किसी रिपोर्ट कटक रे आकलन करा जाए कि देखो तो चाष जमी बाबद वर्तमान सुधा कौन स्पष्ट रिपोर्ट सामना को आसेना जिला प्रशासन पक्ष दि जाए ना राज्य सरकार को चाष जमी एवं चाषी कौन अधिक क्षति होनी बोली जहाँकि जिला प्रशासन पक्ष रिपोर्ट दर्शाई किंतु आगामी समय आरोप किसी दिन अपेक्षा करने को पड़ा कहीं
चाष जमी बाबद जो रिपोर्ट आकलन करके रिपोर्ट क्षय क्षति आकलन करके रिपोर्ट देवाई से निर्देश दी जाता बर्तमान सुधा तो स्पष्ट भाव में पहुँची पारिना कि रिपोर्ट में गत काली राज्य सरकार को जो जिला प्रशासन पक्ष रिपोर्ट दी जाती है से कटक जिले में कौन सी चाषी अधिक क्षय क्षति है जैसे दर्शाई बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान कटक प्रतिनिधि अधिक सूचना दूसरे इमरान जहाँ कहते क्षय क्षतिर रिपोर्ट सामना को आसी कटक अनेक मात्रा रे क्षतिग्रस्त होती विशेष भाव में महानगर निगम तीन किलोमीटर रास्ता नष्ट से बाबद सूचना दूसरे समय छोट ब्रेक ब्रेक पर फेर देखा आ गुरुत्वपूर्ण खबर ब्रेक पर स्वागत आपण सुनिले आश्चर्य हेबे पश्चिम ओडिशार 10 जिलार विभिन्न अदालत रे 3.5 लाख मामला पड़ रही है। तेरे 2020 मार्च मसरे कोरोना महामारी आरंभ होगा पर ठारु कोर्ट कचेरी प्रायतः बंद रही अदालत गुड़िक शुणी न होवारु लोकों त्वरित न्याय मिल पारिना फल विभिन्न कारागारे हजार हजार विचाराधीन कैदी आबद्ध हो रही। ए बाबद अधिक सूचना पाई संबलपुर प्रतिनिधि मलय भई सीधासल मो सहित जोड़ी होती मलय पश्चिम ओडिशार 10 जिलार विभिन्न अदालत रे 3.5 लाख मामला पड़ रही अनेक लोक वर्तमान भी न्याय अपेक्षा रही कौन अपडेट मिल पार देखो सूची लग्न आपन जानिथिबे जे वर्तमान कोरोना लॉकडाउन चली पूर्वर मध्य गत वर्ष लॉकडाउन थिला जो जो दुई थर लॉकडाउन समय रे गत वर्ष प्रथम लहरी और द्वितीय लहरी वर्तमान समय आप जानते हैं सब आड़े लॉकडाउन अच्छे सब स्थानीय सरकारी ऑफिस बंद रोच दुकान बार बंद रही जो कोर्ट कचेरी ता बंद रही जहाँ तथ्य आज जमापड़ी पाखापाखि 3.5 लाख अधिक मामला वर्तमान समय स्थगित रही जाए आपड़ जानते हैं जिते बेले पश्चिम ओडिशा रे स्थायी हाईकोर्ट बेंच को लेकिन पूर्वर 2018-19 समय आप जानते लगातार पश्चिम ओडिशा रे समस्त कोर्ट कचेरी बंद रहुतला वकिल मैंने स्थायी हाईकोर्ट दाबी नहीं गोटे प्रकार बंद करते दाबी पूरण पर मैंने बंद करते सही समय अनेक मामला स्थगित रही है परवर्त समय किसी कई मस कोर्ट कचेरी खोली कि 2020 मसीह जो आप जानते प्रथम मार्च मस जो लॉकडाउन आरंभ होगा या ये से समय सरकार का निर्देश क्रम कोर्ट कचेरी बंद होगा पुणी कई मस यही 2021 कई मसटा कोर्ट कचेरी खोला था पुणी एबू पुणी बंद हो गला जिते सरकार जिते लॉकडाउन घोषणा कले या पूर्वर वर्तमान समय आप जानते हैं कोर्ट कचेरी बंद हो ये भितर जो ये पाखापाखि जो 4 वर्ष भितर अनेक प्रभावित होनेक थर कोर्ट बंद हो बर्तमान कोर्ट कचेरी बंद रही या भितर आप जानते हैं प्रत्येक दिन पश्चिम ओडिशा विभिन्न स्थित विभिन्न घटना घटुच विभिन्न कैदी अनेक हाजत को जाती किंतु से भितर बाहरी पार ना कहीं आप देखो गोटेपटे लगातार भाव कौन से कारण जो कोर्ट कचेरी बंद होती या भितर कौन सी मामला समाधान हो पारे गोटे जहाँ कह केते मात्रा रे पढ़िबो बोली कहबा विशेष भाव रे जो माने न्याय अपेक्षा रे अछंती वर्ष वर्ष धरी सेमानकर विचार होई पारे नाही मामलार तांको उपरे मानसिक भाव रे केते मात्रा रे प्रभावित करबो देखो तो सोचल ना छोट भूल करते जेल को जाऊँगी मुकिलवाटा बर्तमान समय बहुत कष्ट आप कहीं देखते जार गोटे मस के 2-3 मस थी कितु बर्तमान जिते बेले लॉकडाउन ये कोर्ट कचेरी बंद रही ये समय अधिक से असुविधा होती आम देखीचु जे आप जहाँ कह बर्तमान देखूँ 3.5 लाख अधिक मामला बर्तमान समय स्थगित होती ये भितर आप देखते पुणी आउ 17 दिन जो लॉकडाउन अच्छी यही समय आहरी एभली केस आस केस लोके हाजत को जी यही समय जहाँ बहुत कम दिन जार कम दिन रही थी जेल बाहर कथा से भाई व्यक्ति मैं बर्तमान समय बाहरी पारती आप जानते गोटेपटे जो विभिन्न समस्या रही ये समस्या कौटी ना कौटी जो कई देखते से जो ठीक समय बाहर कथा से बाहरी पारती तो निश्चित पक्ष कह मानसिक चाप निश्चित पड़ो कहीं जो समय थाए से समय भितर समय न बाहर निश्चित पक्ष कैदी को गोटे प्रकार मानसिक चाप पड़ कितु जेतुक बर्तमान समय कोरोना चली पूर्वर मध्य जो असुविधा विभिन्न समस्या था ये समस्या भितर गोटे कौटी ना कौटी कैदी कथा यदि कहले ये गोटे अलग लगुच कहीं
जो जे कम समय रहिबा कथा से ये लॉकडाउन सटडाउन कटकणा अन्यपटे जो कोर्ट कचेरी बंद रही एथिपाई मध्ये तार जो बाहर कथा से जेल रु बाहरी पारनी और आपण जानुथिबे जे वर्तमान मध्ये जो 3.5 लाख रु अधिक जो केस मामला रही आछि स्थगित रही ये भी कोठी ना कोठी जेतेले लॉकडाउन बढ़ुची कोर्ट कचेरी मध्ये बंद रही ए समय रे मध्ये सेमानक पय गुटे प्रकार भय दुची अन्यपटे जो आमे देखिछु अनेक कथा ये केवल कोर्ट कचेरी जो केवल कैदी भितर बाहर बने विभिन्न जो जहाँ कोर्ट कचेरी काम होइछि सब विभिन्न एमिति काम रहिछि विभिन्न जिल्ला रे एमिति काम रहिछि जहाँ प्रभावित होइछि कारण लॉकडाउन सटडाउन कथा कोन्तु बा कोरोना काल रे अनेक काम होइ पार नाही एवं ता पूर्वरु मध्ये देखिबा को मिलथिला वकील आंदोलन पश्चिम ओडिसा रे ज्योति पई अनेक कार्य मध्ये बाधा प्राप्त होइछि। बहुत बहुत धन्यवाद मळे समस्त सूचना पई परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबर को आसीबा। कोरोना काल रे दिल्ली रे चलतबा सेंट्रल विस्ता प्रकल्पर निर्माण को विरोध करी दायर होइतबा एक पिटीशन को दिल्ली हाईकोर्ट खारिज करिसेंती। पिटीशन को उद्देश्य प्रणोदित बोली आख्या देइसेंती मुख्य विचारपति जस्टिस डीएन पटेल एवं ज्योति सिंह को खंडपीठ। जबरदस्त ए प्रकल्प को अटकाइबा पई एभले पिटीशन दाखल करा जाइतबा कोर्ट कहिसेंती। ए बाबद रे अधिक सूचना पई दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वान को पाख को जिबा। गगन कोन अपडेट? देखो स्मृति लग्न निश्चित भाव पूर्व जेहेतु मान्यवर सुप्रीम कोर्ट यह ग्रीन सिग्नल देते प्रथम सुप्रीम कोर्ट रे दायर कराइला किसी दिन आपण मन थोड़ा संसद भवन जो प्रधानमंत्री इनागुरेट कले तार शिलान्यास कले से मान्यवर सुप्रीम कोर्ट तापर स्टे लगे कि परवर्ती पर्यायर सॉलिसिटर जनरल जे तुषार मेहता रही सविशेष तथ्य केन्द्र सरकार पक्ष रखी यार गुरुत्व कौन रही आगामी पीढ़ी जो रही विगत दिन में जो कह जो आप जी कहे अत्याधुनिक जिनस गुड जो रही जोटा कि इनपुट करना संसद हल रे तेनाली आवश्यकता स्पेस रवश्यकता रही कहीं कोरोना महामारी समय देखा गला स्पेस रवश्यकता पड़ी गोटे हल बंद रही आउ गोटे हल रवश्यकता पड़ी तेना से सब दृष्टि कौट ना कौट मान्यवर कोर्ट बुझी जे निश्चित भाव ये सेंट्रल भिस्ता प्रकल्प गुरुत्व रही तेनाली मान्यवर सुप्रीम कोर्ट यहाँ ग्रीन सिग्नल देखते तेनाली हाईकोर्ट यहाँ कौन रोकटोक करने चाह न तेना सीधा सड़क से कही ये जो पिटीशन टी दायर कराई ये एक मोटिवेटेड पिटीशन जानी शुणी या दायर कराई सॉलिसिटर जनरल जे तुषार मेहता रही आउ गोटे पॉइंट उल्लेख करते जे कोरोना महामारी समय जो लेबर मान रही कम पाँच अनेक जगार कम मिलूनी तेणु बर्तमान समय से प्रकल्प उपरे स्टे लगेबा से प्रकल्प उपरे अंगुल निर्देश करबा कोट ना कोटी मानवीयता दृष्टि मध्ये ग्रहणीय नुहे कहीं अनेक लेबर रही जो मैंने कोरोना प्रोटोकल मानिकी से कोविड टेस्ट होती अनेक लेबर रही जो मैंने टीका नहीं बड़ बड़ इंजीनियर मान जो नियोजित होती सेकेंड डोज मैं नहीं सारे जो जवान मान मृतयन होती सुरक्षा दृष्टि सीआरपीएफ कहतु दिल्ली पुलिस अधिकारी कहतु से 90% जी आम कह सेकेंड डोज नहीं सारे अनेक गुड़िया तथ्य तुषार मेहता जे सॉलिसिटर जनरल रही से रखी थे मान्यवर न्यायाधीश आगे और जे रही मुख्य विचारपति दिल्ली हाईकोर्ट डीएन पटेल से गुरुत्व बुझी थे प्रोजेक्ट रास कर जेहेतु मान्यवर सुप्रीम कोर्ट यहाँ ग्रीन सिग्नल देखते तेना से ही आधार में पिटीशन को खारज कराइला तेनाली भविष्य में काले पुणी पिटीशन न पड़ू से खारज करने सहित 1 लाख टंका जरिमाना लगे बहुत बहुत धन्यवाद गगन सविशेष सूचना पाई दिल्ली प्रतिनिधि गगन अधिक सूचना दौले परवर्ती खबर को आसवा विकास नारे राज्य में वृक्ष संपद को काटी पदा कर दि जाऊँगी फल परिवेश संतुलन बिगिड़ा सहित जलवायु प्रतिकूल परिस्थिति भोग पड़ी विशेष भाव में बात्या बन्या भाई प्राकृतिक विपर्य राज्यपाई बड़ विपत्ति में परिगणित है समय बात्या आगमन ओडिशा सतर्क घंटी निश्चय और विशेष भाव में ये जो समय मे जून मसने जहाँ बात्या पूर्वर ओडिशा देखी एथर यस को देखी प्रत्येक थर कह कथा जी यह ग्लोबल वार्मिंग हो विकास नारे राज्य में वृक्ष संपद को काटी पदा कर दि जाऊँगी जहाँ को विभिन्न महल नापसंद कर नहीं चर्चा आरंभ हो बाबद अधिक सूचना पाई चिन्मय साहू भुवनेश्वर प्रतिनिधि जोड़ी होती चिन्मय बारंबार आम देखु विकास नारे वृक्ष कटा जा गोटे पक्ष लग्जरीयस लाइफ मेन्टेन करुंट लोक मैंने किंतु अपर पक्ष देखा प्राकृतिक दुर्विपाक गोटे पर गोटे धाड़ी लंबे छिड़ा होती कि स्थिति देखुंत राज्य में यह
निहाति भावे स्मृति लग्न जदि कह राज्य सरकार विकास ना गोटे प्रकार विनाशर दिग ही तैयारी करुँचि कह राज्य सरकार रास्ता रास्तार प्रशस्तिकरण हो कौन विकास कार्यपाई बारंबार गछ काटि चलते योजना कर वृक्षरोपण कि कौटि ना कौटि से वृक्षरोपण प्रक्रिया कमी जा वृक्षरोपण ठीक से कर प्रशस्तिकरण ना रोड रौड़ा करने विभिन्न रास्तार रास्ता सैड्रे गुड़िक जो गुड़ाक बहुत पुराणा गच ताको बारंबार कटा जाउची तो जहाँ कही पार आम परेश मत रोचे जदि बारंबार एमती गच्छ कटा चलो ताहले तापमात्रा बढ़ बात्या बन्या निहाती भाव में राज्यपाल गोटे बड़ चिंताजनक विषय जदि आम राज्य कथा कह आम प्रत वर्ष बात्या हो बन्या हो प्रत वर्ष देखुचे विपर्यर कारण केवल हूँ गच्छ काटा राज्य सरकार गोटेपटे विकास ना गच्छ बारंबार काटुं लोक मान विकास कार्य करोटि ना कौटि या भितर गोटे प्रकार अवहेला रही जाऊँगी वृक्षरोपण हो पारे स्वाभाविक निहाति भाव में जदि आम कह सरकार गोटे पटे कहते कि आम गच लगौ कि प्रकृत में वृक्षरोपण से भाया कर जदि भी वृक्षरोपण करकी वर्ष लगे तहार बढ़ाप गढ़ाप समय लगे कि भाया कर जंगल जमी को पूरा विनाश कर जंगल जमी के कटा जातु से भाया वृक्षरोपण कराफलस्वरूप तापम्रा बढ़ुच्च तापम्रा बढ़ा द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होलस्वरूप बात्या बनार स्थित चारिन्मयी भाव लागि रहे प्रकल्प काम तेबे आपण आकलन करंतु आपण कल्पना करंतु केते परिमाण रे क्षति सहिबा पई पड़िबो मानव समाज को निहत भाव में जी कह 10 वर्ष मध्य 55 हेक्टर जमी को जो गुड़ाक जंगल जमी थी सेगुड़ी नष्ट कर दि जाए जी यही भाव में हेक्टर हेक्टर जंगल जमी को नष्ट कर दिजाव विकास ना गोटे प्रकार विपर्य को आमंत्रण हो गए चिंताजनक विषय जहाँपाई एबु राज्य सरकार को चिंता करवा आवश्यक जदि यही स्थिति चले विकास ना विपर्य को आमंत्रण कराएापी गोटे समय विपर्य को ही निमंत्रण कर बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मयी समस्त सूचना पाई चिन्मयी जो भाव में कहते निश्चित भाव में प्राकृतिक विपर्यय माड़ी आसुची ता पछरे कारण रही वृक्ष रोपण करा जाऊ ना जो मात्रा रे गच्छ कटा जा 486 प्रकल्प निर्माण होबार थिला ता पई 53,000 हेक्टर जमी जंगल जमी कटा सरी आपण थरे चिंता करंतु एहा केते बड़ विपज्जनक कथा एवं आगो को आउ को विपद को जन्म देव एमितिरे ओडिसा में जदि कहबा प्रत्येक वर्ष किछ ना किछ प्राकृतिक दुर्विपाक को सम्मुखीन होउची आगो को आउ किछ खबर देखिबा किंतु ए ब्रेक पारे फेरवा सतेज सकाल को कोरोना अनेक दुख आनी गोटे गोटे परिवार एमती भी होती जे पुरुष शून्य हो पड़ती तो अनेक आत्मीय को हराउं से दुख को बळी जाइछि हॉस्पिटल रे जिते मात्र अव्यवस्था देखा मिलूँ सुंदरगढ़ राणी श्मशान आसी आउ एक करुण चित्र मशाणी एवं भी पड़ रही 56 अस्थि कलश मशाणी बंधु माने अपेक्षा करिसेंती केबे परिवार लोक आसीबे अस्थि कलश नेबे साधारणत आपण जानिसेंती आमर हिंदू परंपरा रे अस्थि कलश विसर्जन करिवार नीति रहिछि किंतु वर्तमान समय रे जेतेबेले लोक माने अतर्कित भाव रे मृत्यु मुखरे पडुछेंती मशाणी रे एबे भी 56 अस्थि कलश पड़ी रहिछि मशाणी रे बंधु माने अपेक्षा करिसेंती जे केबे परिवार लोक आसीबे अस्थि कलश नेबे एवं सुंदरगण राणी श्मशान रु एक करुण चित्र सामना को आसीछि बाबद अधिक सूचना पाई सागर पटनायक मो सहित आम रिपोर्टर जोड़ी होती सागर जो चित्र सामना को आसुची निश्चित भाव में दुखदायक पूरा चित्र वर्णना करने अनुरोध रहा प्रथम लहरी द्वितीय लहरी जो मैंने प्राण हर से शव सत्कार एठार कर
ଏବଂ ଏଠାରେ ଯୋଉ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ମସାଣୀ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ମିଶାଇ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶବ ଏଠାରେ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ 56ଟି ଅସ୍ଥି କଳସ ଏଠାରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଯୋଉ କଳସରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କଳସ ସବୁ ରହିଛି ତା ମଶାଣିରେ ମଧ୍ୟ ମଶାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପଡି ରହିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଶାଣୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କଣ ରହିଛି, କାହିଁକି 56ଟି ଅସ୍ଥି କଳସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡି ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସମୁଦ୍ର ନେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାରଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଅପ୍ରିଲ 14ରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରରେ 225 ଅଧିକ ଆମେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ମୃତକଙ୍କୁ ଆମେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିସାରିଲୁଣି ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଅସ୍ଥି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖୁଛୁ। ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସୁଛି କାଗଜ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୃତକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ମୃତକଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ସେ ଅସ୍ଥିଟା ପରିଜନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେହି ନେବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତାକୁ ରଖାଯିବ? 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହିଛି, ଯାହା କୋଭିଡ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଆମର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ବା ଯୋଉଟା ସଂସ୍କାର କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ସାଗର, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାକୁ ନେଇ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଅସ୍ଥି ସେଠାରେ ପଡି ରହେ, କିଛି ପ୍ରିୟଜନ ଆସି କିଛି ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ଅସ୍ଥି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଯଦି ପଡି ରହିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତରଫରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକି ସମାଜସେବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ଯେ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅସ୍ଥି ସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯିବ ଏବଂ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ପରିବାର ବର୍ଗ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କେହି ଆସି ଏହି ଅସ୍ଥିକୁ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶ୍ମଶାନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କରୋନାର ଭୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକତାର ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି। ନିଶ୍ଚୟ କରୋନା ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପରମ୍ପରା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆମ ମାନବ ଜାତିର ଆସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁକୁ ଦୋହଲାଇ ରଖିଦେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିଏ ସେ ଅତିଥି ଏବଂ କାହା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା 9ଟା ବେଳର କ'ଣ ରହିଛି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କହର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 37 ମୃତ, 8735 କରୋନା ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 4892, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 3843, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1222। ପରଲୋକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଣେ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ଭାବରେ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ସତ ଚାପିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ମିଛ କହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବନାଇଦେଲେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ବାଙ୍କସୋଳ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିବା ଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। JSPL କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ମିତ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଇଏସ୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ତାଳଚେର MCL କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ 3.0, 16 ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି କଟକଣା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। June 17 ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ତାଲା ବନ୍ଦ, ପୂର୍ବ ଭଳି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ଯାଏଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା।
आज सीबीएसई द्वादश 12 लक्ष परीक्षार्थी भविष्य उपर निष्पत्ति परीक्षा नहीं केंद्र शिक्षामंत्री करिपारंती बड़ घोषणा घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री मोदी को भेटे शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं आज आईसीसी बोर्ड बैठक जोगदेवे बीसीसीआई सभापति सौरभ गांगुली टी20 विश्वकप को गोटे मस घुंचाइबा आशारे बीसीसीआई तेरे सतेज सकाल खबर देखिले आम सहित आज अतिथि किए रही निश्चय भाव में जानवाप चाहूंगे कह रखा चाहिए आज आम सतेज सकाल अतिथि रही कंठशिल्पी जागृति मिश्र दस रु अधिक फिल्म सहित अनेक आलबम से गीत गाई भौरी फिल्म रे से गाई प्रथम गीत तो मो दिल दीवाना गीत से 2017 में बेस्ट प्लेबैक् सिंगर अवार्ड हाथी हिट संग भितर रही अनेक गीत विशेष भाव में रप्ता रप्ता गीत लोकप्रियता आनी से भली भाव में अनेक गीत गाई से लोकंर हृदय एक बड़ जगह पाई आलोचना करने जागृति सहित जागृति गुड मॉर्निंग स्वागत करुच्छे अर्गस न्यूज को गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्कार जागृति मत कहते लॉकडाउन आपंकरमती कटे विशेष भाव में द्वितीय लहर कथा जी कह कोविड 3.0 लॉकडाउन आज लागू हो जाए आम भावुलु लॉकडाउन ने निश्चित भाव में लास्ट थिला किंतु आग को रज रही सावित्री रही भिड़ जमीब एपटे संक्रमित संख्या नियंत्रण में रोना पुणी थर आउ थे एक्सटेड कर लॉकडाउन को किमती रिएक्शन रही कि इत्ते संकटपूर्ण समय जे हमर माने किछ हम हाथर कंट्रोल ले ही नाही तो डेफिनेटली गवर्नमेंट डो डिसीजंस नो छने हम समस्त को भलो पाई कि आ मु समस्त को कहि रखबे जेमती हेले बे गवर्नमेंट गाइडलाइंस को सुनंतु मानंतु एंड डेफिनेटली हमको निज जीवन को रक्षा करबा को हेले ए सब टिके माने को ही पड़िबो किंतु बेसी के कहबा जदी ऑब्वियसली समस्त घरे रहले कि बहुत विरक्त लागि पड़ि किंतु कोन करबा जागृति जितने लॉकडाउन न था आपंकर शो सब सामना को आसे आप बहुत जगह जाती निजर परेषण करती सहित रेकर्डिंग्स वगैरह आपंकर लगातार भाव में रही था कि सबकिला पड़ी आपन को आहरी अधिक अपेक्षा करने को पड़ो घरे टाइम टा काटा आपण भल रोच जेहेतु व्यस्त रोते घरे टाइम दे पार ना ये आपन को लगुच्छे आउ थे कम को बैक कले आज भल हाँ नहीं एक्चुअली मत टाइम बेस डिफरेन्स जना पड़ूनी बिकज एमती नॉर्मल टाइम रे मोर ऑफिस भी चली था सब बेले तेणु मु काम भी करू था एट द सेम टाइम मु बस कि एपटे माने रिकॉर्डिंग हैला शूट हैला सब पाएंगे जाई पड़ता है बट जेहेतु सेटा मोर पैशन तो टोटली बंद हो गला बेलू बहुत माने घरे बंद हो रहा भाया पूरा फील हो एकदम माने मेंटल डिप्रेशन टाइप रे आसी जाउछे किंतु कौन करबा जोडा बे सिचुएशन तो ताको तो एक्सेप्ट करिया भी पड़िबो तो एक्सपेक्ट करछु केते शीघ्र सब कुछ ठीक हबा वापस ए लॉकडाउन रो तृतीय हमरो जेमते जल्दी सरीबा समस्त वापस टिके टिके नॉर्मल हबा सब तरह ओके ठीक अछि जागृति हमें प्रथमे आपन कोठु गोटे गीत सुनिबा तापरे कथा आगु को नबा डेफिनेटली मु मोरो फिल्म रो गोटे गीत गाउ छी हो मनी मनी खोजु थीली एमिति मौका तो प्रेमर दुनिया रा साजिली माशुका तो हतर थाई लगे एमिति कहि सते अगुरु थिला अम रिश्ता रिश्ता तो प्रेम ने सरफ्ता रफ्तारा झुमी दिए रफ्ता रफ्ता मोनी दो हजे रफ्ता रफ्ता ए मन खोजे रफ्ता रफ्ता बहुत भल जागृति सफलतार परिभाषा कौन बोली कहते कारण अनेक भावती जिते बड़े आपन को नेम फेम मिल जाए जिते बड़े आपन को से जगह मिल जाए जो जगह पे आपन अनेक दिन स्वप्न देखुले तो निश्चित भाव आप सफल पलटि जाती तो जागृति मिश्र सफलतार परिभाषा कौन मु सफलता को एते बड़ मैं प्रायोरिटी दिए नहीं बेस शिखा को प्रायोरिटी दिए तो मुझे चेष्टा करे कि जहाँ शिखी से एवरीडे चलने भी सेमती शिखी अधिक आउ बेटर करी एच एंड एवरीडे सहित बेस पॉलिश कर पारि निज टैलेंट को
ଆଉ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେନି କେବେ ବି। ଯେତେ ଆଜିକା ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହି ରଖିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଉପରେ ବେଶୀ, ଆପଣ ଶିଖିଗଲେ ଆପେ ଆପେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ବହୁତ ରିଆଲିଟି ଶୋ ରହିଛି, ବହୁତ ଶୋ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ଯଦି କହିବି, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ କେଉଁ ଏମିତି ସିଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି? ମାନେ ମୋ ଦେଖିବାର ତ ମୁଁ ଯେତେ ବି ସିଙ୍ଗର୍ସ ଦେଖିଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହିଁ ଥାଏ ପୁରା। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାନେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବେଶୀ ଶୁଣି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫଲୋ କରେ, ତାଙ୍କୁ ହେଲା, ତା'ପରେ ଲତାଜୀ, ତା'ପରେ ସୋନୁ ନିଗମ, ଯେତେ ବି ଆମର ସମସ୍ତେ ଗୁଣୀ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ସମସ୍ତେ, ତୃପ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତିକି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି କି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଏତିକି ଆଗରୁ ରିଆଲିଟି ଶୋଜ୍ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅପରଚୁନିଟିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ତା'ର ଭଲ ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା, ରାଦର ଦେନ୍ କି ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆସିବାକୁ, ମାନେ ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଉ ନଥାଉ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହଉ ନ ହଉ, ପଳେଇ ଆସିବା। ପାରାଦୀପରେ ଛୋଟବେଳେ କଟିଛି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଲାଇଫ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଜାଗୃତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଳାଟା କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଂରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ଉଚିତ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଡିଭୋଟି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇକି ମୋର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତା'ପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିଲି 6 ବର୍ଷରୁ, ତା'ପରେ କେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିନଥିଲି, ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍, ଗୋଟେ ହବି, ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା। ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅରାଉଣ୍ଡ 10th class ପାଖାପାଖି ଆସିଲି, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବାର ଚାନ୍ସ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ମେ ବି ଆକୁ ନେଇକି ବି କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବି, ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖିପାରିବି। ତ ତା'ପରେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ, ତା'ପରେ ସେ ଜର୍ନି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ଜର୍ନିକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜେସ୍ରେ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଜାଗୃତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଭୂମିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାଫି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବେକା ହିସାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଯେମିତି ବେସିକାଲି ମୁଁ କହିବି ଲକଡାଉନ, ଏମିତି ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ଆମ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି ଯାହାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଂ, ସବୁକିଛି, ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ହାତ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର। ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ କି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ଭଲ ମୋର ଅଡିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିପାରିବି, ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଆଉ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ଫେରିବା ସତେଜ ସକାଳକୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜାଗୃତି ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଜାଗୃତି, ଫର୍ଷ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା? କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ରହିଥାଏ, ନର୍ଭସନେସ୍ ବି ରହିଥାଏ, ଜାଗୃତିଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ? ମୁଁ ମୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ କରିଥିଲି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗସ୍ କି କିଛି ବି ଗାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗ ଗାଇବାର ଅପରଚୁନିଟି ପାଇଥିଲି। ଭୌରୀ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମୋତେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଦାଦା ଦେଇଥିଲେ, ଡୁଙ୍ଗରି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୀତଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଥିଲା ଗୀତଟି, ହିରୋର ଛୁଆବେଳରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତଟା ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ସେ ଗୀତରେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିଲି, ସୋ ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଲି ବ୍ଲେସ୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଦାଦା ଏତେ
ଏତେ ମାନେ ଜଲି ମୁଡ଼୍ରେ ଥାଆନ୍ତି କି ସେ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାଲିଥାଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତ ସେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି, ମୁଁ ଡରିପାରେ ମେ ବି, ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତୁ ତୋର ଗା ଆରାମସେ, ଆଉ ତୋର ଯେତିକି ଏଫର୍ଟସ୍ ଅଛି ପୁରା ଲଗେଇକି ଗାଇଦେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହେବ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି କିଛି ଆମର ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ନର୍ଭସନେସ୍ ବି ଥିଲା କି କେମିତି କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଭଏସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱାନ୍ ଟେକ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ସବୁ ମୋତେ ଓକେ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇଭଳି କିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓକେ, ଜାଗୃତ ନିଜକୁ ଲକି କନ୍ସିଡର୍ କରିବେ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ 15-20 ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଫିଲ୍ମରୁ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଲା ସୁଯୋଗ, ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ମୁଁ ନିଜକୁ ଲକି ଫିଲ୍ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ଜଣେ ପାଇଛି। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ସାର୍, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କଟକ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆରାଉଣ୍ଡ 5-6 ଇୟର୍ସ ତଳେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିଲି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲି ଯେ ହଁ ଗୀତକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବନେଇ ହେବ, ବିକଜ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ଡେଡିକେସନ୍ ଶିଖାଇବାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କି ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାର ଯାହା କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ତାକୁ ପୁରା ଠିକ୍ସେ ଶିଖାଇ ପାରିବି ଗୀତଟି ପ୍ରପର୍ଲି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ସାର୍ ଯେହେତୁ ନିଜେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ସବୁବେଳେ କିବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ସବୁଯାକ ଶୋଜ୍ ସବୁଠି, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା। ତ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟି ପାଇଁକି ଖୋଜୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା, ତ ବହୁତ 7-8 ଜଣ ପିଲା ସକାଳୁ ଗାଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲେ, ସେ ବମ୍ବେରୁ ଭାବିଲେ କେଉଁ ପିଲାକୁ ଗୋଇବେ ଗୀତଟି, ବଟ୍ ତାପରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶାରଦା ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଗୀତ, ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯଦି କିଏ ପିଲା ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ପଠା, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ ଜଷ୍ଟ 1-2 କ୍ଲାସ୍ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଏତିକି ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନା ତୁ ଯା ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଯାଇକି, ଦାଦା ଗାଇବାକୁ ଦେବେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ତ ଏମିତି କହିଲାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଲି, ମୋତେ ତ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥାଏ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବି କ'ଣ, ତାପରେ ଗୀତଟି ଗାଇଲି, ଦାଦା ସେଠୁ 2-3 ଲାଇନ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣେଇଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମାନେ ମୁଁ ଆଲବମ୍ ସରକାର ଗାଇବା ଆଗରୁ ମୁଭିରେ ହିଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଗଲି। ଓକେ, ଜାଗୃତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଫୁଲ ଯେବେ ଝୁମି ଯାଏ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କଲିଗ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲି ପଛପଟୁ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇ ଗୀତ ପାଇଁ କହିବାକୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଗୀତରୁ 2 ପଦ ଶୁଣିବା। ଡେଫିନେଟଲି ଫୁଲ ଯେବେ ଝୁମି ଯାଇ ପବନରେ ନାଚି ଯାଇ ଝୁମି ଝୁମି ସେ ମୋତେ କହେ, ଝୁମି ଝୁମି ସେ ମୋତେ ଝୁମି ଝୁମି ସେ ମୋତେ କହେ
वेल बहुत भल गीत थैंक यू सो मच एत बढ़िया सुंदर सुंदर गीत सका शुणापी जगृति जमी आम कथु संघर्ष समस्त जीवन में रही थाए आपण जीवन में संघर्ष रही किंतु आरंभ आप लकी फिल्म रे गीत गायबार सुजोग पाई वेल म्यूजिक भिडर ट्रेंड को आपड़ केमी देखते हैं बहुत जगह देखा मिलूँ कलाकार मैंने निजे निजे म्यूजिक भिड कर सोशल मीडिया फेमस होती तापर से अफर मिलूँ ये ट्रेंड को आपड़ केमी देखते ना मुझे कहबी एटा बहुत ही भल जिन म्यूजिक वीडियो करवा उचित बट हाँ तापे डिपेंड करे कि फाइनेंसेस से स्ट्रांग थिबा दरकार आउ इफ आपन लकी थिबे आपन कर किस्टा क्रू मेंबर्स कि ग्रुप गोटे भल थिबा जो थरे कि समस्ते आपन को बहुत सपोर्टिव थिबे आ आपन प्रॉपर्ली गोटे म्यूजिक वीडियो बनई पारथिबे देन सर बहुत भल जिन बट मुझे अपॉर्चुनिटी पाइनी एत गोटे म्यूजिक वीडियोस बनेबार तेणु मुझे डेट ही बनई थी तापर मत कभी सुजोग मिलनी कि समय मिलनी तो मु तेणु घर ही नॉर्मली फोन में रिकॉर्ड करके सब बड़े एक्टिव रहा को चेष्टा करे। अच्छा गोटे पटे आप कहले जो वर्क लाइफ आपको मेंटेन करने को पड़े एपटे आप निजर गीत गायकी पर्याप्त समय देवाक पड़े रियाज पाई केमती कौन समय बाहर कर दिखती कारण प्रत्येक गायक व प्रत्येक गायिका को रियाज करवा निहाती दरकार बोली कहुए आज्ञा मु बेसिकली किसी टाइम फिक्स न था मोर रियाज करिवार कि प्रैक्टिस करिवार मु गोटे मुडी टाइप पिला तेणु मुझे कौन करे मुझे काम कर समय भी आम ऑफिस रे भी एमती गीत बाजे नॉर्मली तो मुझे घरे अच्छे मोबाइल बेस सुविधा ये मुझे आराम से मो हिसाब रो गीत शुणी प्राक्टिस भी करपरचे और कम भी करपरचे से समय आ म्यूजिक शुणवाटा छुआ बड़े जेहतु एत पैशनेट अच्छे तेणु मुझे गोटे इंपोर्टेंट कम कला मतलब गीत शुणिले बेस भल लगे आटा मोर रियाज भी हो जाए एट द सेम टाइम मो कम भी हो जाए। ओके जागृति कौन टिप्स देवे से मानको जो माने निजे सिंगर हबार बहुत बड़ा स्वप्न देखती एवं वर्तमान से माने स्कूल कॉलेज रे थाई कि मध्य गीत गाउछंती आग को स्वप्न देखती जे हमें जागृति मिश्रा को भले आबो से मानको पई छोटो टिप्स को मुकाय भी मो भले के न होंतु समस्त निजे निजे भले होंतु एवरीबॉडी हैज देयर ओन आइडेंटिटी तेणु समस्त के बोले एती कहि रखबी कि जे भी छोटो पिला आछंती आप फोकस करूँ गायबा उपर सिंगिंग उपर फोकस करूँ कंपिटिशन्स अटेंड करूँ बिकज मुझ मो छुआ बड़े बहुत गुड़े कंपिटिशन्स अटेंड कर मतलब मो बापा नहीं भी जाते सब कंपिटिशन को मोठ अधिक इंटरेस्टेड मो पेरेंट्स था कि हाँ आम पिलाटा पार्टिसिपेट कर जितवा न जितवा पर कथ बट पार्टिसिपेट कले आपे आपे कन्फिडेन्स बढ़ो एत गोटे पिलार जानवे कि केमती किए गाँव से सब बहुत कंपिटिशन्स अटेंड कर आउ विथ टाइम से मोर कन्फिडेन्स एत बिल्डअप कर मतलब बहुत कन्फिडेन्स दे सब जेकोसी गोटे बड़ स्टेज प्रोग्राम आज मुझे गायक जाऊँगी कि कौटे सुट रोचे से निजक बन सारी से अपफ्रंट हो सब जगह परफर्म करने जागृति सब बड़ क्रिटिक किए कारण कहुए प्रशंसा तो आमको बहुत आड़ मिले किंतु समालोचना जदि कि निज लोक करती तो निश्चित भाव लगे मुझे ये जिनस अधिक इम्प्रूव करवा दरकार परिवार एमती जड़े जहाँ समालोचना को जहाँ क्रिटिसाइज को आप एकदम गुरुतर सहित ग्रहण करती सब अधिक गुरुतर मुझे ग्रहण कै क्रिटिसिज्म जो सी हो गुरु आउ मते आउ किए एप्रिसीएट कला नकला मते एते फरक पड़े जैसे मो गुरु कले कि नकले मते फरक पड़े जदि सर कहते जो हाँ तू भल गायलु तेज मत एक्चुअली रियलाइज हुए हाँ बोधे भल गई आदि मुझे कौट भूलभाल गाइवि सर कहीदे मुझे जानगली हाँ मुझे कौन कर आउ फैमिली भितर मो भाई ना बहुत अधिक देखे जज करे कि म्यूजिक उपत दूर भल गायली न गायली एंड एट द सेम टाइम बापा जो बापा बेस कहते बट जैसे देखती पर देखी सारापुर कहते कि यहाँ आउ टे बेटर हो पार्था तेनाली किसी समस्त क्रिटिसीजम जजमेंट्स को लेकिन मुझे चेस्टा करें सब इम्प्रोवाइज करें ओके ऑल टुगेदर आप आग को बढ़ावाई चेस्टा करती एमती जन सिंगर जहाँ सहित कम कर इच्छा बहुत अच्छे मन भितर मैंने बर्तमान ओडिया इंडस्ट्री भितर मुझे अलमोस्ट केते जन सहित कम कर सारे आम जेनेशन जिते जन अच्छा प्राय कितु मोर बहुत अधिक मानते भल फ्रेंड कहीपरि आ मो भाई कहीपर स्वयं प्रभास पाड़ी स्वयं भाई सहित एत भल बंडिंग मोर बहुत लास्ट फोर फाइव इयर्स रे बहुत क्लोज सब बड़े कि आज पर्यटन गायबार अपर्चुनिटी पाई स्वयं जो शुणुवे सोशल मीडिया काफी एक्टिव रील क्या कहतु कि आप म्यूजिक वीडियो क्या कहतु से जदि देखुवे तो निश्चय मत लगुच फटाफट सुजोग मिल जागृति आम जब ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री कथा कह लिरिक्स को लेकिन बेले बेले किसी क्रिटिसीजम शुणा को मिले कहुए जो पुराणा गीत एवं भी आम जेनेसन रो
ମୁଣ୍ଡରେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଛି, ତାର ଲିରିକ୍ସ ବହୁତ ରିଚ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଠା ହିସାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଲିରିକ୍ସ ଆଉ ସେ ଲିରିକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି? ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବିକଜ୍ ପୁରାତନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆମର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ହିଁ ରିମେକ୍ ବନେଇବାକୁ ଯେବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏମିତି ଟିକେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟିକେ ହେଇଛି କି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଟିକେ କାହିଁକି ଏମିତି ଜାଗୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇକି। ବେଳେବେଳେ ସିଙ୍ଗରମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇନଫିରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଗୀତ ମଝିରେ, କାହିଁକି ଏମିତି? କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଦୃତି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସୀମିତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମିକ୍ସ ଗୀତ ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୀମିତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଗୀତ ବନାଉଛେ କି? ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁକି ବି ବନାଉଛେ ଗୀତ, କି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ଲୋକ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଆମ ଗୀତ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ଆଣ୍ଡ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସେଇ ପୁରୁଣା ବାସ୍ନା ଫେରି ଆସନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗୃତି ସେଦିନ ପାଇଁ କେବେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲିରିକ୍ସରେ ଗୀତ ମିଳିବ, ମୋତେ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। ଜାଗୃତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସକାଳକୁ ଏତେ ସତେଜ କରିଥିବାରୁ, ଏତେ ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ହିଁ ଆମେ ଶୋ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ ହିଅର୍। ଜାଗୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଆଜି ଆମ ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ରହିଥିଲେ। ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏବଂ ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।